जिले के अंतिम छोर पर स्थित उड़ीसा सीमा से लगे हुए ग्राम पंचायत सिरपुर में सरपंच के खिलाफ पंचों ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल पंचों ने सरपंच पर आरोप लगाते हुए एसडीएम को आवेदन देकर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि ने उन पर लगाए गए तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया है और पंचों द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों को मनगढ़ंत बताया है। एसडीएम को दो दिन पूर्व ही पंचों ने एक आवेदन सौंप कर पंचायत में सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन किया है। जानकारी के अनुसार पंचों ने गांव में कराए जाने वाले विकास कार्यों में सरपंच पर मनमानी पूर्ण तरीके से राशि आहरण करने का आरोप लगाया था, जिसके आधार पर उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाने के लिए एसडीएम को आवेदन प्रेषित किया है। आपके खिलाफ एक आवेदन एसडीएम में दिया गया है, आप सरपंच हैं और आपके ऊपर आरोप लगाए हैं कि पंचों को नहीं पूछ करके काम कराया जाता है। हम सब पंचों को पूछ कर करते हैं, सबकी राशि काम हो रहा है, वो लोग गलत बोल रहे हैं। मतलब पूरे पंचों को सहमति में लेकर काम करते हैं जी, और जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से गलत है। आपका नाम? डोलामणि पटेल। पटेल जी, आपके पंचायत में सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन लाए हैं और आपकी पत्नी सरपंच हैं और उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि काम जो है पंचों को बिना विश्वास में लिए कराया गया है। नहीं नहीं, पंचों का हर महीने मीटिंग भी किया जाता है और जो भी काम के लिए गलत लिखे हैं वो गांव वालों से भी पूछ सकते हैं, आप काम हुआ है कि नहीं। सारे पंचों को भरोसा में लेके कराए? हाँ। क्या क्या आरोप लगाए हैं आपके ऊपर? पछरी का है, चबूतरा का है, बिना पूछ कर सीसी रोड का काम करके आप बोल कर सीसी रोड भी बन गया है, जबकि सारे काम यहाँ हो चुके हैं। हो चुके। कौन ऐसा कर रहा है ये गजपुर? कुछ पंचों को भड़का रहे हैं। हाँ।